हेलो नमस्कार, जय हिंद। राहुल गांधी छायब प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन छायब प्रधानमंत्री क्या होता है, इसकी शक्तियां क्या होती है और इसकी शक्तियों से क्यों भाजपा के अंदर खलबली मची हुई, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय से मिलती रहे। देखिए, लोकसभा में पहले विपक्ष के नेता जो हैं राम सुभाष सिंह बने, जो 1969 में बने थे। कांग्रेस में ही विभाजन होने के फलस्वरूप 60 सीटों को विपक्षी पार्टी का दर्जा दे दिया गया था और विपक्षी पार्टी के तौर पर विपक्ष के नेता राम सुभाष सिंह बने थे 1969 में। ये हैं राम सुभाष सिंह। लेकिन 1952 से लेकर 1969 तक भारतीय संसद में कोई भी विपक्षी दल नहीं रहा है, विपक्षी दल यानी कि मान्यता प्राप्त विपक्षी दल नहीं रहा है। 1980 से लेकर 1989 तक भी कोई मान्यता प्राप्त विपक्षी दल नहीं रहा है और 2014 से लेकर 2024 तक भी मान्यता प्राप्त कोई विपक्षी दल संसद में नहीं रहा है। लेकिन अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता हो गए हैं, विपक्षी पार्टी के विपक्षी दल के विपक्ष के नेता हो गए राहुल गांधी। इनकी शक्तियाँ क्या होती है, सबसे पहले आपको बता दें कि लोकसभा में कम से कम 10% सीटें होनी चाहिए विपक्षी पार्टी की, तभी उनको विपक्षी पार्टी का और उनके नेता को विपक्ष का नेता का दर्जा दिया जाता है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो 10% नहीं है तो भी विपक्षी दल का और विपक्ष के नेता का दर्जा दे सकती है। ऐसा कोई संविधान में प्रावधान है कि नहीं दिया जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। तो देश दिया जा सकता है लेकिन सामान्यतः नहीं दिया जाता है। जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 में भी और 2019 में भी विपक्षी पार्टी का दर्जा, विपक्षी दल का दर्जा नहीं दिया था विपक्ष नेता का। अब 10% सीटें, 543 का 10% यानी कि लगभग 55 सीटें, यानी कि लगभग 55 सीटें अगर किसी पार्टी को मिल जाती है तो विपक्षी दल मिल जाएगा। हालांकि 99 सीटें हैं राहुल गांधी के पास, कांग्रेस के पास। तो राहुल गांधी को छाया प्रधानमंत्री बने हैं, राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हैं। लेकिन छाया प्रधानमंत्री क्या होता है, विपक्ष के नेता के तौर पर इनकी शक्तियाँ क्या क्या होगी, क्या क्या पावर होंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, देखते हैं। देखिए, नेता विपक्ष की शक्तियां और कार्य क्या होता है, इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। सबसे पहली बात तो यही है कि इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है और कैबिनेट मंत्री के समान ही इनके सब कुछ सुविधाएं मिलती है, चाहे वेतन हो, चाहे भत्ते हो, चाहे आवास या अन्य सुविधाएं, जो कुछ भी सुविधाएं होती है। एक बंगला जो है कि कैबिनेट मंत्री के स्तर का दिया जाता है, भत्ते भी, वेतन भी 3,30,000 यानी कि कैबिनेट मंत्री के स्तर का ही दिया जाता है वेतन भी। इनके लिए स्पेशल स्टाफ की सुविधा अवेलेबल कराई जाती है, स्पेशल स्टाफ की सुविधा, ड्राइवर की सुविधा, गाड़ी की सुविधा इत्यादि चीज़ें सब कुछ इनको प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन इनके महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तियों में विपक्ष के नेता से परामर्श मांगा जाता है। जैसे CVC केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, CVC की नियुक्ति करने में, उनके अध्यक्ष की नियुक्ति करने में विपक्ष के नेता से परामर्श मांगना पड़ता है। सूचना आयुक्त की नियुक्ति करने में, लोकपाल की नियुक्ति करने में, प्रवर्तन निदेशालय यही है ईडी तो ईडी के अध्यक्ष को नियुक्त करने में इनका विपक्ष के नेता से परामर्श ली जाती है। केंद्रीय सतर्कता ब्यूरो CBI, यह है CBI, तो CBI के अध्यक्ष के नियुक्ति में भी विपक्ष के नेता से सलाह मांगा जाता है, सलाह ली जाती है, इत्यादि सब बातें हैं। विभिन्न संसदीय समितियों का पदेन अध्यक्ष भी होता है विपक्ष का नेता, जैसे लोक लेखा समिति, इसी को बोलते हैं PAC, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी, PAC का पदेन अध्यक्ष भी होता है। उसी प्रकार से एक होती है चयन समिति, सेलेक्टिंग कमेटी, तो चयन समिति या सेलेक्टिंग कमेटी का भी अध्यक्ष होता है। इत्यादि कुछ समितियां हैं जिनका अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष का मतलब जो भी विपक्ष का नेता होगा वो स्वयं अध्यक्ष बन जाएगा। संसद में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना कर सकता है। अब आप कहेंगे तो आलोचना तो कोई भी कर सकता है, इसके विपक्ष को नेता जो होता है उसको आलोचना कभी भी कर सकता है। संसद में कभी भी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना कभी भी कर सकता है और कभी भी सवाल पूछ सकता है, किसी भी मंत्री से या प्रधानमंत्री से भी कभी भी सवाल पूछ सकता है। अन्य किसी को सवाल पूछने के लिए एक समय निर्धारित किया जाता है, समय मांगना पड़ता है तो उसके बाद समय मिलता है कई दिनों बाद, लेकिन विपक्ष के नेता कभी भी सवाल पूछ सकता है। नेता विपक्ष की सीट डिप्टी स्पीकर के बगल में होती है। डिप्टी स्पीकर, स्पीकर यानी कि लोकसभा में अध्यक्ष होता है स्पीकर, उसके बाद डिप्टी स्पीकर होता है और डिप्टी स्पीकर के बगल में ही विपक्ष के नेता की सीट होती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय वह आगे की सीट पर बैठाया जाता है। ये संसदीय लोकतंत्र की देन है कि विपक्ष का जब संसद में
राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, तो अभिभाषण के समय जो विपक्ष का नेता होगा तो विपक्ष के नेता को पहली सीट पर बैठाया जाएगा, यानी कि आगे की सीट पर बैठाया जाता है। रक्षा और विदेशी मामलों में नेता विपक्ष से सलाह मांगी जाती है, कोई रक्षा का मैटर है, रक्षा के संबंध में, सुरक्षा के संबंध में कोई मैटर है, या विदेशों के संबंध के समय में, तो इन सब मैटर में विपक्ष की नेता से परामर्श ली जाती है कि क्या ऐसा होना चाहिए था वो नहीं होना चाहिए, तो परामर्श ली जाती है। हालांकि ये परामर्श कंपलसरी नहीं होती, जरूरी नहीं होती, उसका मानना जरूरी नहीं है, मानना सरकार की इच्छा पर है, लेकिन परामर्श मांगा जाता है। देखिए छाया मंत्रिमंडल क्या होता है और छाया प्रधानमंत्री क्या होता है, राहुल गांधी कैसे छाया प्रधानमंत्री बने हैं और अपना छाया मंडल कैसे, छाया मंत्रिमंडल कैसे गठित करेंगे, इसके बारे में हम आपको बात करें। तो ये लेबर पार्टी का वेबसाइट खोले हुए हैं, लेबर पार्टी सैड के शैडो कैबिनेट हम दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें कि ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी है, ब्रिटेन में ऑफिशियली वैलिड होता है शैडो कैबिनेट, जिसे हिंदी में छाया मंत्रिमंडल बोल सकते हैं। तो शैडो कैबिनेट या ऑफिशियली वैलिड होता है ब्रिटेन में, हालांकि भारत में ऑफिशियली वैलिड नहीं होता है, ऑफिशियल रूप से दर्जा नहीं मिलता है इसमें, लेकिन वही काम होता है जो वहाँ पर होता है शैडो कैबिनेट या छाया मंत्रिमंडल का। यहाँ पर देख सकते हैं केर स्टार्मर को पार्टी लीडर हैं ये, इन्हें छाया प्रधानमंत्री घोषित किया गया है, छाया विपक्ष का नेता यानी कि छाया प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ विपक्ष का नेता बोलते हैं, वहाँ छाया प्रधानमंत्री बोलते हैं। छाया प्रधानमंत्री का मतलब कि एक ऐसा नेता जो अपने पास एक ऐसा मंत्रिमंडल विकसित करेगा जिसे छाया मंत्रिमंडल कहेंगे, जो सभी प्रकार के मंत्रियों की आलोचना करने के लिए, उन पर नज़र रखने के लिए होगा। जैसे अगर कोई रक्षा मंत्री है तो रक्षा मंत्री के समतुल्य ही अपना एक सदस्य खड़ा कर देगा जो रक्षा मंत्री की कार्य पद्धतियों पर नज़र रखेगा। अगर कोई होम मिनिस्टर है तो होम मिनिस्टर के समतुल्य एक व्यक्ति खड़ा करेगा जिसे छाया गृह मंत्री कहेंगे, वह गृह मंत्री के कार्यों पर हमेशा नज़र रखेगा। तो इस प्रकार का मंत्रिमंडल होता है जो छाया मंत्रिमंडल या शैडो कैबिनेट कहा जाता है, जो शैडो प्राइम मिनिस्टर यानी कि छाया प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित किया जाता है। तो ये जो है कि ब्रिटेन का छाया मंत्रिमंडल है, छाया शैडो कैबिनेट है, हमारे यहाँ ऑफिशियली वैलिड नहीं होता है, यानी कि ऑफिशियल रूप से दर्जा नहीं दिया जाता है, लेकिन वही काम होता है जो विपक्ष काम होता है, वही काम छाया प्रधानमंत्री वही होता है जो विपक्ष का नेता होता है, तो हमारे यहाँ विपक्ष का नेता कहा जाता है, लगभग सेम काम वही होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय से मिलती रहे। धन्यवाद।